हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? और आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं करवा चौथ की। और आज करवा चौथ का दिन है। ये वीडियो मतलब 2 दिन लेट आ रही है, तो उसके लिए सॉरी। और मतलब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं बाद में, तो थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, तो बस इसलिए नहीं व्लॉग डाल पाई, ठीक है। और यहाँ पे जो बाबू है ये उठ चुका है और इसकी प्यारी प्यारी शैतानियाँ शुरू हो गई है। और आपको पता है कि मेरा फास्ट रखना, व्रत रखना मना है, लेकिन मेरे से नहीं रहा जाता ये। और ये व्रत तो बस मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इन्होंने कहा कि मैं व्रत रख लेता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स किया इस बात पे इन्होंने मुझे, लेकिन बस हमारे ये रिवाज नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैं खुद नहीं चाहती कि मैं तो व्रत रखती हूँ और ये भी व्रत रखें, तो क्योंकि स्कूल जाते हैं और बहुत सारे काम हो जाते हैं इनको बाहर के, तो बस थोड़ा वीकनेस ज़्यादा ना आ जाए इनके अंदर। ये मतलब व्रत वगैरह रखते भी नहीं हैं, तो इनको आदत भी नहीं है, इसलिए बस तो मैंने कहा कि मैं अपने आप रख लूँगी और कुछ खा पी लूँगी। मतलब इनसे झूठ मूठ ही कह दिया मैंने कि मैं कुछ खा लूँगी, ऐसे कोई बात नहीं है, दवाई ले लूँगी। वैसे आपको एक सच बात बताऊँ, मैंने कोई दवाई नहीं ली व्रत के अंदर और मेरा व्रत पूर्ण भी हुआ। क्या है कि आज सुबह से जो मेरा सर है वो बस फट सा रहा है कि समझ नहीं आ रहा। जैसे कि हमेशा ये होता है सर दर्द, तो मेरे लगभग टाइम होता ही रहता है, 24 घंटे में से 12-13 घंटे दर्द होता ही रहता है हल्का हल्का, लेकिन जो ये दर्द है ये कभी कभी उठता है। और इसमें ना ऐसे जी करता है कि मतलब आँख बंद करके पड़े रहो और उसमें भी सर दर्द होता रहेगा। अगर नींद आ गई तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर बस हालत ख़राब ही रहती है। और मैंने मतलब छुपा रखा है, अभी किसी को बताया नहीं है, बाद में व्रत के बाद बता दूँगी, वरना सब लोग मेरे को डांटेंगे और मेरा व्रत है वो तुड़वा देंगे तो बस यही सोच के मैंने नहीं बताया और धीरे धीरे अपना काम करे जा रही हूँ। तो जी हमारे पास ये कवर था, तो जो कि एक्स्ट्रा बच गया था नीचे जो अलमारियों में लगाए ना, तो हमने ये मेज के ऊपर लगा लिया। बताना कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है जी? अच्छा लग रहा है, वो तो मिट्टी नहीं आएगी, मिट्टी नहीं आएगी ना मेज के ऊपर। और ये आसानी से साफ़ हो सकता है, मतलब चाय वाय के अगर चाय पीने बैठ जाएँ, जब ये पढ़ाई करते हैं तो इनको चाय देते हैं सुबह, तो गंदा ना हो इसलिए। और हाँ, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये मेज़ यहाँ कैसे आ गई, तो बस अब ठंड बढ़ने वाली है आगे धीरे धीरे, तो ये छत पे मेरी निगरानी में तो आराम से पढ़ाई करेंगे लेट नाइट तक। क्या है कि फिर दो दो चक्कर हो जाते हैं नीचे नीचे के नीचे, वहीं का वहीं ये पढ़ते हैं और फिर वहीं पे सो जाएंगे, तो रात को फिर बच्चे अकेले, यहाँ मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होगी इसलिए। क्या जैसे फोल्ड कर दो, फोल्ड हो जाएगा नहीं, इधर ही प्रेस मार दो। हां ठीक है, इधर से भी तो जी नहाना हो चुका है। और अभी जो कथा सुननी है, हमारे इधर कथा सुनते हैं और आपके भी सुनते हैं करवा चौथ माता की कथा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और लाल दुपट्टे वाले तेरा नाम तो पता, और काले जुल्फे वाली तेरा नाम तो पता, नाम तो पता तेरा काम तो पता।
तेरा काम तो बता। आई आई हाय आई हाय। इसको 1 घंटे हो गए तैयार होते, पर कोई तैयार नहीं हुई कोई। और क्या, मैंने जैसे को भी रोटी खिला दी, खुद भी रोटी खा ली, बाजार भी हो आया है, इससे अभी तैयार नहीं होगा। चूड़ी खनकेगी, आरती ठनकेगी, तेरी नींद उड़ाए तो उड़ जाए। शेर नवली का सर है। आपको छोरी ने कर दी थी। जी बड़ी बड़ी लाया था, खत्म ही ना होता कि कब लाए थे लास्ट टाइम, ये गिना देते मैं से। कितनी सुंदर हो तुम, तो कितनी सुंदर हो, मन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, सुन ना ले कोई सुन ना ले, धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। गिफ्ट अरे मेरा गिफ्ट और क्या चाहिए, इतने साल पहले मिल गया था तुम्हें। अरे गिफ्ट लेके क्या करना, इतना बड़ा गिफ्ट मिल गया आपको, दो दे रखे और गिफ्ट ही गिफ्ट है, एक तो मेरी गोदी में, एक नीचे है, इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट। अनमोल गिफ्ट है तो फिर।